तरफ से ओपन है, ये डिस्क है हमारी आर रेडियस या ए रेडियस की। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है कोई स्क्वायर प्लेट है, या फिर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है हमारी, ठीक है। तो ये सब ओपन सरफेसेस में आते हैं। तो ओपन सरफेसेस में जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमारी होगी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल आउटवर्ड्स, और एनी साइड, मतलब तुम किसी भी साइड ले सकते हो, मतलब बता रहे हैं इसका क्या है। एनी साइड, एनी साइड कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे सपोज दैट कि जैसे कि ये मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, सो या रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट अगर इसमें तुमको एरिया देखना है तो हम एरिया इधर भी ले सकते हैं बाहर की तरफ, ऐसे देखो ज्यादा समझ में आएगा। एरिया इधर भी तुम बाहर की तरफ ले सकते हो और इधर भी बाहर की तरफ तुम ले सकते हो एरिया। हाँ, क्वेश्चन में एक बार में एक ही तरफ तुम लोगे, मतलब अगर जैसे क्वेश्चन में तुम ये प्लेट, तुमको रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है और इसकी तुमने ये डायरेक्शन ले ली बाहर की तरफ, फिर वो पूरे क्वेश्चन में वैसे ही रहेगी, पूरी जिंदगी का कोई रूल नहीं है, पूरी फिर इधर भी ले सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन में तुमने जो एक मान ली वो वही मानोगे। लिख लो इस पर, इस बात को हम बोले दे रहे हैं, लिखो द कंसिडर्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया, द कंसिडर्ड कंसिडर डायरेक्शन ऑफ द एरिया फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस विल बी सेम विल बी सेम फॉर दैट प्रॉब्लम, मतलब वो जो जो भी प्रॉब्लम, जो भी डेरिवेशन है तुम्हारा, उसके लिए वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये तो ओपन सरफेस हो गए। क्लोज सरफेस की हम बात करें तो जैसे हमारा स्फेयर हो गया, क्यूब सर हो एरिया गया, की डायरेक्शन समझ में नहीं आई सर। अभी बताया दे रहे हैं, अभी लिख लो, हम एग्जाम्पल से बताया दे रहे हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल अभी कंसिडर कर ले रहे हैं, यहां पर ये क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया तुम्हारा, और इस तरीके से पैरेललेपिपेड हो गया, जो भी हो गया, सिलेंडर हो गया, जो भी हो गया। तो इन सारी सिचुएशन में जो हमारी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन सिर्फ एक रूल है और वो है नॉर्मल टू सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू सरफेस आउटवर्ड, यहाँ सरफेस लिख लेना, ठीक। हम एक विद एग्जांपल अभी बता दे रहे हैं। जैसे नॉर्मल टू सरफेस आउटवर्ड, अब देखो विद एग्जांपल देख लो कि आखिर ये सब जो अपन कहानी कर रहे हैं इसका मतलब कैसे। जब तुम लोग डेरिवेशन वगैरह सारे कर लोगे तब हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, तब करेंगे, पहले नहीं करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे हम तुमसे बोले कि एक तुम्हारे पास प्लेट है, डिस्क है, ठीक है, डिस्क, इसकी रेडियस आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ। सर पाई पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। अब हम तुमसे कहें कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो हो गई अपन की एक्स डायरेक्शन और ये हो गई वाई डायरेक्शन। तो एरिया की जो डायरेक्शन हमारा, ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, और वो तुम इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। तो इस एरिया वेक्टर को अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो प्लस माइनस जे कैप, मतलब ये डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, ये डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है। एक क्वेश्चन में अगर तुमने ऊपर के लिए ले ली तो वो ऊपर के लिए ही बनी रहेगी, नीचे के लिए तुमने ले ली तो वो नीचे के लिए ही बनी रहेगी। बहरहाल दोनों ऑप्शन हमने लिख लिए, बात समझ में आई दिव्यांश अभी। हाँ सर थोड़ी थोड़ी याद। हाँ, ओपन सरफेस के लिए बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अब क्लोज सरफेस में हमें कुछ नहीं लिखना है,
क्लोज सरफेस का जस्ट रूल होता है कि जैसे ये स्फेयर है, सर्किल नहीं है, तो क्लोज डायग्राम बना लेना, तो क्लोज सरफेस के लिए हमेशा जो भी तुम एरिया चूज करोगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी जो भी तुमने चूज किया। जैसे सपोज दैट हम अगर एक क्यूब बना लें, ये क्यूब है हमारा, तो क्यूब के कितने सर्फेसेस होते हैं? 6, हमें पता है। तो अगर हम इस वाले सर्फेस की बात करें तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस सर्फेस की बात करें तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस नीचे वाले सर्फेस की बात करें तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे, इधर वाले की बात करें तो ऐसे। दो सर्फेस और बचे हैं, तो सर्फेस से आउटवर्ड रहती है इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा। तो इसीलिए हमने तुमको कैटेगरी बता दी कि ये वाला जो सरफेस है ये ओपन सरफेस है, इसको ओपन सरफेस बोलते हैं। ये प्लेट है, जैसे ये मेरा हाथ है, मान लो ये प्लेट है, तो इसमें डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, प्लस माइनस जे कैप हम करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये जे कैप या जैसे भी रखे हुए हो लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ, और इसमें कोई रूल हमें नहीं लगाना, ठीक है। आई होप क्लियर होगी बात अभी सबको, हाँ सर, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी हैं, अच्छे न्यूमेरिकल वेक्टर है, फॉर्म में करेंगे। कन्वर्ट करना क्लोज सरफेस में एरिया को। क्लोज सरफेस में जैसे इसको कन्वर्ट करना है तो ये डिफिकल्ट है थोड़ा। मान लो कि तुम अब क्लोज सरफेस में क्या होगा, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी की स्टडी करनी है, मान लो यहाँ पर, तो इतने के लिए एरिया वेक्टर हमारा ये क्या होगा, इसको आई कैप की तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो अगर स्टडी करनी है तो तुम्हें एंगल गिवन होगा, वो कुछ तुम्हारा आ जाएगा आई और माइनस जे के टर्म में, है ना, वो अपन लिख सकते हैं जिस तरीके से भी लिख लो, ठीक है। ये तुम्हारे कंसिडरेशन में कभी नहीं आएगा, क्यूब वाला आएगा, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, पहली बात एरिया वेक्टर क्वांटिटी, एरिया की डायरेक्शन अगर हमें देखनी है। तुम्हारे सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में बस इतना तुम्हें याद रखना है कि क्लोज सर्फेस है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, डेरिवेशन में यह यूज होना है। ये वाला जो पार्ट है ये एक दो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, और मतलब पूछे गए न्यूमेरिकल्स में जो अपने एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई में, ये वाला जो है ये भी पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। तो बहुत सिंपल है, हम कैसे डायरेक्शन लिखते हैं न्यूमेरिकल करेंगे तो आ जाएगा। अब लिख लो एक बात, देखो जरा, इफ देयर इज, स्टार बना करके लिख लो, इफ देयर इज एनी रेक्टेंगल, इफ देयर इज एनी रेक्टेंगल देन वी कैन, देन we can write area of that rectangle, area of that rectangle with the help of cross product, with the help of cross product of the two sides, help of cross product of two sides। और अब तुम वेक्टर तुम पढ़ चुके हो तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। पहली बात, जितना हम पूछे उतना, कि अगर मान लो ये एक स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल शेप है, बोर्ड को समझ सकते हो, बोर्ड भी मतलब हमारा रेक्टेंगल शेप में है, तो ये बोर्ड हमारा रेक्टेंगल शेप में है तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, हमने बाहर की तरफ मान ली, आउटवर्ड, ठीक है, इस तरफ आउटवर्ड है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी इंटू ए डी, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये एरिया का भी मैग्नीट्यूड अपन ने लिखा है, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। हम ए डी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर नहीं लिख सकते, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो तुम इसकी डायरेक्शन निकालो क्रॉस प्रोडक्ट की, ए बी क्रॉस ए डी मतलब तुम्हें इधर से इधर जाना है, तो तुमने क्या किया, ए बी की तरफ हाथ फैलाया, ठीक है, हाँ, तो बाहर की तरफ आएगा, और फिंगर्स हमने कर्ल करी ए डी की तरफ, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है वो आउटवर्ड, और अगर तुमने ए डी क्रॉस ए बी ले लिया तो वो डायरेक्शन जो है हमारी किधर चली, तो वो अंदर की तरफ चली जाएगी, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे। ये भाई तुम्हें याद होना चाहिए, ध्यान रखना, ये तरीका मतलब कि रेक्टेंगल है हमारा अगर, तो रेक्टेंगल को अगर तुम्हें लिखना है तो ये साइड क्रॉस ये साइड इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ऐसा ही यूज होता है, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर से रिलेटेड इतनी बातें बहुत है, फिर न्यूमेरिकल में अपन करेंगे जो बातें होंगी। नेक्स्ट लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा फील ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। अच्छा जो हमने तुमको नोट्स दिए थे वो नोट्स भी हम किसी दिन स्क्रीन शेयर करके पढ़ देंगे कि उसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है, और क्या क्या कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें छोड़नी है, कुछ लोगों को छोड़नी हो सकती है, मतलब जिन्हें सिर्फ 12th लेवल पर रहना है उन्हें वो कुछ चीजें छोड़नी होंगी। तो एक दो दिन में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कंप्लीट हो जाए फिर हम बता देंगे, ठीक है? तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का और एरिया का, पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो लाइंस का और एरिया। लाइंस को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लाइंस की प्रॉपर्टीज। लाइंस प्लस से निकलती हैं, माइनस को जाती हैं। अगर सिर्फ प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ। प्लस माइनस का पेयर है तो प्लस से निकलेंगी, माइनस की तरफ जाएंगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, जहां लाइंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां लाइंस का कंसंट्रेशन कम होगा, इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ, और वो इंटरसेक्ट नहीं करती और वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, ठीक है? वो सिर्फ प्लस से जाएंगी, माइनस में रह जाएंगी। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो हमने तुमको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो बात वही हो गई, कंसंट्रेशन वाली बात हो गई, ठीक है? एक और बात जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट क्या करती हैं, क्या मतलब फील करना चाहे तो क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंपली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एनर्जी को, ठीक है? जैसे कि सपोज दैट कि मान लो कि एक पेपर ले लें, ठीक है, और उससे हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम क्रॉस कराएं, तो हो सकता है कि पेपर को डैमेज ना हो, ठीक है? लेकिन अगर हम बहुत उतनी ही पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम हजारों लाइनें अगर उस पेपर से पास करा दें, तो हो सकता है कि पेपर में कुछ डैमेज आ जाए, हो सकता है पेपर में बर्निंग स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है तो एक्सरे को ले लो। एक्सरे की एक रे अगर हम बहुत माइन्यूट सी मोनोक्रोमेटिक हम अगर अपने पास अपने शरीर से एंटर कराते हैं तो हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत पावरफुल अपनी इसी बॉडी में हम बहुत पावरफुल नंबर ऑफ लाइंस अगर पास करा दें तो डैमेज स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अगर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हमें देखनी है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आखिरकार रिप्रेजेंट क्या करती है, एनर्जी को। इस बोर्ड से अगर 100 लाइनें पास हो रही हैं तो उन 100 लाइंस की क्या एनर्जी पास हुई। भाई लाइंस पास होने का मतलब क्या है, लाइंस पास होने का मतलब एक लाइन पास हुई मतलब कि वहां पर सपोज दैट कि मान लो ये यहां से कोई एक लाइन पास हुई इस बोर्ड के इस पार्ट से, एक लाइन ऐसे एंटर हुई, ठीक है? तो वहां पर कुछ फोर्स लगा, ठीक है? लेकिन सोचो अगर हजारों लाइन अगर इससे पास हो रही हो तो हजारों जगह पे फोर्स लग रहा होगा। हजारों जगह पर फोर्स लगने का मतलब क्या है कि भाई एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वहां छोटे छोटे चार्जेस अगर रख दें तो वो चार्जेस में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो सब प्रैक्टिकल अप्रोच जितना तुम सोच सकते हो। बहरहाल यहाँ पर हमारी जो लाइंस की प्रॉपर्टीज में एक एडिशनल बात हम अभी सीखना चाहते हैं वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंपली एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। हम ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि फ्लक्स का थोड़ा सा फील आने लगेगा, फ्लक्स का फील आने लगेगा। अब फ्लक्स को समझते हैं। हमारे पास अगर मान लो कि एक छोटा सा पेपर है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये पेपर है हमारा, ठीक है? इस पेपर को अपन ने पकड़ा हुआ है, इसका एरिया ए है, ठीक है? और इससे मान लो कि ऐसे रख रहे हैं इसको, इससे मान लो कि लाइंस पास हो रही हैं, अभी 20 लाइनें पास हो रही हैं, 20 लाइंस, ठीक है? तो क्या हुआ कि हाँ हमने देखा 20 लाइंस पास हो रही हैं, हमारा काम बन गया, ठीक है, अपन ने काउंट आउट कर ली, जो भी है सब ठीक है। अभी लाइंस काउंट करने में तुम्हें, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पर लाइंस में और एरिया में कितना एंगल बन रहा है? 90 180 90 डिग्री। अरे यही तभी तो कहते हैं कि चुल्ली डोड़े डिग्री में या तो 0 डिग्री बनना है या तो 180 डिग्री बनना है। एरिया का डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। हमें एरिया से नहीं देखना है कि लाइन कितने एंगल पे जा रही है, एरिया भी तो वेक्टर है, इसीलिए तो एरिया वेक्टर पढ़ाया गया भाई तुम्हें। ये फिर कंफ्यूज कर देता है क्योंकि सोचो जरा, सोचना तुम लोग जरा अपनी बात पे। अभी फ्लक्स का जब फॉर्मूला तुम लिखोगे तो वो लिखोगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये ओपन होके बन जाता है ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है?
तो यहां पर अगर ये पेपर ऐसे रखा हुआ है और तुमने कितना एंगल बता दिया 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस कितनी हो गई? जीरो। जबकि इस सिचुएशन में तो सबसे ज्यादा लाइंस पास होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर लाइंस और एरिया के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, या हम 180 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो चलो ये बात हो गई, पेपर है हमारा ऐसे रखा हुआ है और लाइंस ऐसे जा रहे, तो 0 डिग्री पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में, एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? जीरो। हमने क्या किया, पेपर ऐसे रख दिया इस तरीके से। अब नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही है वो कम हो गई या बढ़ गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, हाँ इसको हमने और ऐसे रख दिया, तो अब कितना फ्लक्स पास हो रहा है? अब कितना फ्लक्स पास हो रहा जीरो है? जीरो। जीरो अब हमारा जीरो जीरो फ्लक्स पास हो रहा है। तो जीरो फ्लक्स पास होने का मतलब क्या हुआ? पेपर ऐसे रखा हुआ है, उससे लाइंस पास हो रही है, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, मतलब कोई एनर्जी, कोई फोर्स, कुछ भी नहीं है हमारा। तो फ्लक्स को फील करने के लिए हम थोड़ा सा इस चीज को समझते सर, हैं इस कि सिचुएशन में बनेगा ना 90 डिग्री हाँ एंगल? इस सिचुएशन, हाँ इस सिचुएशन में बनेगा, क्योंकि पेपर ऐसे हो गया हमारा और पेपर पे एरिया वेक्टर होगा 90 डिग्री का ये, और लाइंस ऐसे जा रही है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब बच्चे 90% बच्चे गलती करते हैं पहले शुरू में, बाद में समझ में आने के बाद नहीं करते हैं। तो हमारा फ्लक्स का एक फील क्या है, हम ये चीज देख रहे हैं कि लाइंस जो पास हो रही है, वो लाइंस पास हो रही है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। पहली बात तो ये कि चार्ज की जो स्ट्रेंथ है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस की जो काउंटिंग है वो कितनी है, दूसरी कि हमने एरिया कितना लिया है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना लिया है। उस पे हम रत्ती भर का एरिया ले लें तो कम लाइंस पास होगी, हम बड़ा एरिया ले लें तो बहुत ज्यादा लाइंस पास होंगी। पहली बात डिपेंड करी किस पे, कि नंबर ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरी डिपेंड करी कि हमने कितना एरिया लिया हुआ है, और तीसरी किस बात पर डिपेंड कर रही थी कि वहां पर हमने कितना एंगल रखा है एंगल एरिया का। बिटवीन देम। ए हाँ, एरिया ऐसे रखा हुआ है कि एरिया ऐसे रखा हुआ है कि एरिया ऐसे। तो फ्लक्स की पहली तो एक डेफिनेशन बनाई गई थ्योरेटिकल, और वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बस तुमको एज इट इज लर्न करनी है, तुम्हें कुछ भी इसमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। वो तुम्हारी डेफिनेशन ये बनी फ्लक्स की, कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, एनी सरफेस लिख लो, सरफेस लिख लिया तो बात एरिया की हो गई। नंबर ऑफ लाइंस जितने सरफेस से पास हो रही हैं उनकी काउंटिंग को हमें फ्लक्स की डेफिनेशन दे दी। ठीक है, अच्छा फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई, बट कैलकुलेट कैसे करें? तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई ई से। अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस की काउंटिंग हम कर रहे हैं तो ये क्वालिटी कैसी हुई? स्केलर, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए यहां पर जो थीटा लगाया जाता है वो हमारा कॉस लगाया जाता है, साइन नहीं लगाया जाता। कॉस इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, अगर साइन लगा देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी आने लगेगी। तो जो फाई था वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, और हमने एरिया कितना लिया, डीए एरिया इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम बताएंगे डीए क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ई और डीए के बीच में एंगल कितना था? कॉस थीटा। तो यहां से हमारा फॉर्मूला फाइल का बन जाता है ई डॉट डीए। ठीक है, और यहाँ डी फाइल हमें लिखना चाहिए, और फाइल अगर हम निकाल लें तो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकालने के बाद ये इसका मतलब क्या है, बुक्स में लिखा रहता है इसका मतलब। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर किसी ने इसको, इस पे गौर किया हो या पढ़ा हो तो बताओ कोई, इसका मतलब क्या होता है? सरफेस, सरफेस इंटीग्रल, वेरी गुड, क्लोज सरफेस है वो। क्लोज सरफेस। हाँ, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, वो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल भी हो सकता है और क्लोज सरफेस इंटीग्रल भी होता है। कहने का मतलब ये है कि हम सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सी बात है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फ्लक्स प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर इसके इसके बीच में वेक्टर अगर हम निकाल लें 0 डिग्री है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। थीटा इज इक्वल टू, अगर हमने 180 डिग्री ले लिया तो 180 डिग्री में फ्लक्स कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस, तो फ्लक्स माइनस आ माइनस जाएगा। तो स्केलर होने के बावजूद भी ये प्लस माइनस हमारा आ सकता है, और यहाँ प्लस माइनस जस्ट इंडिकेशन है। एक इंडिकेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमने कंसीडर करी है
और जो एरिया तुमने कंसीडर किया है उनके बीच में एंगल सेम लिया है या एंगल अपोजिट लिया है, वो जो माइनस साइन है वो न्यूमेरिकली वैल्यू को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इतने में तुमको जो समझ में आ रहा है वो लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, पॉइंट वाइज बना करके लिख लो। जो अभी तुमने कहानी पूरी अलादीन की सुनी है वो लिखो अपने आप। हाँ, किसी को डाउट हो तो तब तक पूछ सकते हो। अभी ना कुछ पूछ रहे बेटा? एक बार साइन कन्वेंशन समझा दीजिए क्या समझाना है बेटा, फिर से आवाज नहीं आई। सर, ये जो आपने साइन कन्वेंशन लिखा है ये समझा दीजिए। साइन कन्वेंशन की यहाँ पर देखो, फाई का जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है बेटा, ये ई डी ए कॉस थीटा बन रहा है। तो कॉस थीटा में अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो लेते हो तो ये हमारा कॉस जीरो की वैल्यू होती है प्लस वन, तो ये फाई हमारा जो निकल के आएगा ये प्लस में आएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो ले रहे हो तो फाई हमारा प्लस में आ जाता है। ठीक है, और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 तुमने ले लिया कॉस 180, तो ये फाई की वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाती है। इसको अभी तुम एक दो न्यूमेरिकल करोगे तो वहां तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, एंगल का खेल है वो, यस और कुछ नहीं। लिखो जैसे भी लिखना तुमको, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं बस। ज्यादा बड़ा मत लिखना क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हम कल जो है नोट्स पढ़ लेंगे एक बार, तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें फील होना चाहिए चीज का इस तरीके से कि तुम किसी को समझा सको। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि तुम उसको इलस्ट्रेट कर सको किसी के सामने। खड़े हो जाओ और बताना चालू कर दो। चलो अब एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लो सभी लोग, आई होप तुमने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लेना रिवीजन करते टाइम, घर पे पढ़ते टाइम। क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द टोटल फ्लक्स, फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड, पासिंग थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, और तुमको चार ऑप्शंस गिवन है, चार ऑप्शंस तुम्हारे हैं, फोर जीरो होगा क्या? बताते हैं पहले, फोर ई नॉट ए स्क्वायर, बी 6 ई नॉट ए स्क्वायर, सी तुमने जीरो बोला चलो जीरो भी लिख देते हैं, डी 2 ई नॉट ए इस। चलो सब लोग करो, सोचो थोड़ा सा, ये सर आंसर आते हैं बेटा तुम सबके आंसर पे आते हैं। सब लोग 15-20 सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। कितने लोग कह रहे हैं ए आंसर होगा? कोई कह रहा है कि ए आंसर होगा? कितने लोग कह रहे हैं बी आंसर होगा? अरे सन्नाटो, ऐसे सन्नाटा मार के बैठे हुए, कुंडली मार के जैसे सांप बैठता है बिल्कुल। सर, डी होगा। अनुज ने डी बोला, सी ऑप्शन, अर्पित बोल चुका है सी ऑप्शन, और कोई कह, दिव्यांश का कहना है ए होगा ऑप्शन, आयुष राय कुमार ए ऑप्शन, भाग्यांश ने बोला बी ऑप्शन, सर, हमें आर्या भी बोल, पी लग रहा है। आर्या का बी लग रहा है। ठीक है चलो, और सोच लो टाइम है तुम्हारे पास, कोई ऐसी जल्दी नहीं है।
जीरो होगा। लेटरल सरफेस एरिया लेना पड़ता कि सर कम टोटल सरफेस एरिया? अभी ये उसका चीज, सवाल ही नहीं है यार। अरे अनुज गलती से म्यूट हो गया बेटा। सर ए और सी में से दोनों में से कोई एक लग रहा। अर्पित एक आंसर पे तुम टिका करो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर सी है लोगे। सर। ठीक ठीक है तो सी पे लटके रहो, गलत होगा तो देखेंगे यार। हाँ फिर से हम पूछ रहे हैं, ए ऑप्शन कोई है माई का लाल? हाँ सर, हम हैं माई के लाल। सर क्या बात है। बी ऑप्शन कौन कौन है? सर ये माई माँ की लालियां सर नहीं है क्या? एक भी माँ की लालियां से शांत बैठी रहती हैं क्या? हाँ हाँ बेटा भाग्यांश, हाँ तुम्हारा है बी ऑप्शन। ठीक सभी है तब माँ की लालियां क्या कर रही हैं? चलो अच्छा आते हैं डिस्कशन पे। आंसर इसका सही है, अभी नहीं बताएंगे, बताते हैं। देखो फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट डी ए। ठीक है तो हम एक एक इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, विद इन 2 सेकंड का आंसर कर ले जाओगे आपके बाद जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर हमें ई और डी ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट पहली बात तो देखना होता है ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो हम निकाल रहे हैं क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हम अलग अलग निकाल लें, बाद में जोड़ दें, अपना काम बन गया। ठीक है तो यहाँ पर टोटल सर्फेसेस कितने होंगे हमारे? 6 टोटल सर्फेसेस होंगे। ठीक है अच्छा ध्यान से समझना, टोटल सर्फेसेस हमारे होंगे 6। 6 सर्फेसेस में से 2 होंगे एक्स एक्सिस के, 2 होंगे वाई एक्सिस के, 2 होंगे जेड एक्सिस को। तो जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही, जहां बैठे हो वहां देख लो, तुम्हारे कमरे में ये ऊपर नीचे वाला जो एक ये सरफेस है, ये एक ये सरफेस है, इसको जेड वाला ले लो, इधर इधर एक्स एक्सिस ले लो और इधर उधर वाई एक्सिस ले लो। ठीक है तो मतलब तुम्हारे टोटल 6 सरफेस होते हैं, और 6 सरफेस में 2 x की तरफ होते हैं, एक पॉजिटिव x, एक निगेटिव x अगर तुम बीच में हो ठीक है, और एक पॉजिटिव y, निगेटिव y, और एक तुम्हारा पॉजिटिव z और निगेटिव z। तो कहने का मतलब 6 सरफेसेस में एक होगा i कैप, एक होगा माइनस i कैप, एक होगा j कैप का और एक होगा माइनस j कैप का, एक होगा k कैप का और एक होगा माइनस k कैप का। इतने में आई होप तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल सर्फेसेस जितने होंगे उतने से ही तो अपन निकालेंगे। तो अब निकालना है हमें ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी आई डायरेक्शन में। तो जब तुम इससे इससे या इससे या इससे फ्लक्स निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो सर जीरो 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 आएगा। जीरो क्यों? जीरो क्योंकि आई डॉट, यहाँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम रखोगे ई नॉट आई कैप ठीक है, और एरिया की कॉस तुम नाइनटी आ वैल्यू, जाएगा, हाँ तो एरिया तुम ए कॉस स्क्वायर, चाहे तुम जे रखो, चाहे माइनस जे रखो, चाहे के रखो, चाहे माइनस के रखो, हमने 11th में पढ़ा हुआ था कि आई डॉट जे आई डॉट के ये सब वैल्यूज हमारी जीरो होती हैं। तो 1 2 3 4, इन चारों की वजह से तो फ्लक्स हो गया हमारा जीरो। तो अब कहानी बचती है सिर्फ 2 सर्फेसेस की, एक सरफेस हमारा पॉजिटिव का और एक सरफेस हमारा निगेटिव का। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला सरफेस बचा और ये वाला इधर वाला, तो ये वाले सरफेस में एरिया की डायरेक्शन हमारी हो गई ये, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आई कैप, मतलब हम अगर इसको मैग्नीट्यूड के तरीके से लिख लें तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप, क्योंकि ये सरफेस हमारा स्क्वायर होगा क्यूब के लिए, ए स्क्वायर आई कैप। अच्छा तुमने अगर इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव, ये तुम्हारा माइनस आई स्क्वायर आई कैप। ठीक है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डॉट डी ए हमारा फॉर्मूला होता है, तो ई हो गया तुम्हारा ई नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। आई डॉट आई कैप की वैल्यू होती है 1, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई ई नॉट ए स्क्वायर। इधर वाले से कितनी वैल्यू आ जाएगी? ई नॉट आई कैप डॉट माइनस ए स्क्वायर है, माइनस आगे आ गया, ए स्क्वायर आई कैप। तो आई डॉट आई की वैल्यू फिर से, तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई? ई नॉट ए स्क्वायर। तो इधर से फ्लक्स हमारा ई नॉट ए स्क्वायर माइनस का, और इधर से फ्लक्स हमारा ई नॉट ए स्क्वायर प्लस का, तो दोनों को सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो।
ठीक है, किसी को भी डाउट है, एनीवन हैविंग डाउट? अब इसको सर, थोड़ा सा फील, एरिया बाहर की तरफ क्यों था सर? हाँ बेटा एरिया, हाँ बोलो क्या कह वो रहे। सर माइनस ए स्क्वायर लिया ना सर, तो वो बाहर की तरफ एरिया क्यों लिया सर? एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्लोज सरफेस में कैसी होती है? बाहर की तरफ, चाहे जो सरफेस ले लो, यहां कैसी होगी? ऐसे। यहां कैसी होगी? ऐसी। कोई भी एरिया क्लोज सरफेस होगा तो उसमें हमेशा बाहर की तरफ होगी एरिया की डायरेक्शन, ये रूल होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक, समझना जरा बात को, ये कमरा है तुम्हारा, यही क्वेश्चन क्यूब का है, ये एक रूम है तुम्हारा। रूम में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और चली गई, लाइंस आई और चली गई, तो बची कितनी लाइंस? कितनी लाइंस बची? तो कुछ नहीं बचा सर। कुछ नहीं बचा। तो फ्लक्स यही तो होता है कि भाई नंबर, अगर हाँ अगर इस रूम के अंदर कोई, अभी तुम गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हो इसके बाद में, तो वही अभी ये आएगा, इस कमरे के अंदर जैसे यहां पे अगर चार्ज हम रख दें इस जगह पर, तो फिर वैल्यू आएगी, तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहां हम ये एरिया ले लें, इससे कुछ ऐसे लाइंस पास होंगी, तो ये काउंटिंग होगी हमारी। लेकिन यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में लाइंस यहां से एंटर हुई और यहां से निकल गई, इसका मतलब यहां पर हमारा जो फ्लक्स है वो कितना है? जीरो। तो एक कॉन्सेप्ट लिख लो, अच्छा अभी मत लिखो, गॉस थ्योरम में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। अब हेडिंग डाल लो सभी लोग, गॉस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा एक बात कान खोल के सुन लो भैया, ये सारी चीजें अभी तो हम टाइम लेके पढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिज्म में यही सब रिपीट होना है एज इट इज। वहां पर अभी गॉस थ्योरम आएगा, वहां एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, वहां मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो वहां हम टाइम लेकर के नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान रखना इतना। तो वहां उम्मीद मत रखना, हमें उम्मीद वहां तुमसे होगी, अभी तो मान लो तुम उम्मीद लगा सकते हो हमसे, लेकिन वहां उम्मीद हम तुमसे लगाएंगे। हेडिंग डाल लो गॉस थ्योरम, पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो गॉस थ्योरम का सभी लोग, हम बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना। लिखो, फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी closed surface, for any closed surface, the electric flux passing through, the electric flux passing through any, the electric flux passing through any, मत लिखना, the electric flux passing through that surface will be one upon epsilon naught times charge enclosed by that surface ये लिख लो, ये ऐसे लिख, ऐसे मत लिखो, अच्छा ऐसे लिख लेना, phi e is equal to integration of e dot da is equal to q upon epsilon naught, ये सब लोग मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कर लो, एंड होने वाली है, सब लोग ज्वाइन किया करो भैया, कुछ तो ज्ञानी जो है दोबारा वाली मीटिंग में आते ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि उनको सब आता है, ज्वाइन करो सभी लोग दोबारा। म्यूट था कि यहाँ इस स्टेटमेंट का अगर हम लॉजिकली मतलब समझे डायग्राम की हेल्प से, तो अगर एक हमने कोई स्फेरिकल सरफेस लिया,
अभी कोई ये मत पूछना कि स्फेरिकल सरफेस ही सर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो जो चार्जेस कहीं पर हैं वो जरूरी थोड़े नहीं स्फेरिकल सरफेस में हो, तो वो उसका लॉजिक अभी मैं लिखवा दूंगा बाद में, कुछ खास लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज हमारा रखा हुआ है क्यू, ठीक है, तो इस क्यू चार्ज के अंदर रखे होने, देखना ध्यान से समझना, पहली बात तो चार्ज अंदर ही होना चाहिए, चार्ज बाहर नहीं होना चाहिए। चार्ज बाहर होगा तो फ्लक्स क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। हमारा यहाँ पर ये कहता है स्टेटमेंट कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है अगर, तो जो फ्लक्स होगा वो हमारा 1/ε0 टाइम जितना भी चार्ज होगा वो होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। डायग्राम बनाओ और लिखो प्रूविंग। एक सरफेस बनाओ स्फेरिकल टाइप का। सर्कल ही बना सकते। सर्कल नहीं, हाँ सर्कल ही बनाओ अभी। सर्कल ही मतलब वो स्फेयर है, हाँ, पर कहने के लिए सर्कल ही कह सकते हैं। जनरली तुम कुछ भी बना सकते हो यार। चलो अच्छा रहने दो, सुनो, बना लिया है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो ऐसे बना लो, फालतू तो में दिमाग में खड़ एक कुचड़ पेंच चलती है। जनरल सरफेस बना, ठीक है, कोई सा भी जनरल सरफेस बना लो। और यहाँ पर मान लो कि क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओके, प्रूफ। देखो अपन क्या करेंगे, देखो ये प्रोसेस समझ लेना, ये प्रोसेस तुम्हें हर क्वेश्चन में लगाना है, हर डेरिवेशन में लगाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरिया कंसीडर करेंगे छोटा सा, ठीक है, तो हमने ये एरिया यहाँ पर डीए कंसीडर कर लिया। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल क्लोज, जितने भी क्लोज सरफेस होते हैं, इसलिए हमने पहले बता दिया था। तो एरिया की डायरेक्शन हमारी हो गई ये डीए बाहर की तरफ, ठीक है। प्लस चार्ज हमने लिया है यहाँ पर, तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हमारी बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारी बाहर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, सर जीरो जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। चलो डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं, पहले तो एक काम कर लो, लिखो फील्ड एट डी एरिया, एरिया ड्यू टू चार्ज क्यू, ये डिस्टेंस आर। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू 1/4π ε0 q/r² पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई इज इक्वल टू 1/4π ε0 q/r², ठीक है, अपन ने पहले ही लिख लिया इसको। फिर एक और चीज लिख लो, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर लिखते हैं अपन, अब अपन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कि इस डी ए एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू डी ए एरिया, अपन डी ए एरिया की बात कर रहे हैं तो डी फाई लिखेंगे, और फॉर्मूला होता है हमारा ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ई डॉट डी ए को जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस, एंगल कितना है जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो डी फाई ई हमारा कितना आ गया, ई डी ए सिंपली, ठीक है। तो ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन हम किस किस एरिया पर देख रहे हैं, डी ए एरिया पर, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेट लिखो, करेंगे। हाँ, फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स पासिंग थ्रू, तुम लोग थ्रू की स्पेलिंग सही लिखना, थ्रू टोटल एरिया, जैसे फिजिक्स में चल जाता है इतना सा, लेकिन बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो नहीं चलता है थोड़ा। फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल एरिया अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो लेफ्ट साइड में डी फाई ई का इंटीग्रेशन तो फाई ई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ई डी ए, ई की वैल्यू पुट कर दो यहां से, ई की वैल्यू कितनी है, 1/4π ε0 q/r²
क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हमने स्फेयर बुक्स में तुमको जो डेरिवेशन मिलेगा वो स्फेयर को लेकर के मिलता है, लेकिन तुमने दिव्यांश ने एक दो बार टोका तो हमने फिर जनरल करा दिया है, जनरल में भी वही प्रूविंग आ जाती है, वही सब कुछ आ जाता है और जनरल डेरिवेशन ज्यादा अच्छा है। दिमाग में ये थॉट नहीं रहता है हमारे कि यार हर बार स्फेयर ही लेंगे क्या, स्फेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कर लिया, ठीक है, और ये हमारा जो एफ बचेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा डी ए अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा? डी ए अपॉन आर स्क्वायर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, वेरी गुड। डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल, और किसी भी सरफेस की वजह से पूरे सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है स्फीयर या मतलब थ्री डी सरफेस के लिए? 4 पाई, 4 पाई, वेरी गुड। 720 डिग्री, हाँ बेटा 720 लिख लो जरा सभी लोग, 4 पाई, हाँ मतलब 720 सभी लोग अलग से लिख लो, हम बता दे रहे हैं, लिख लो डी ए अपॉन आर स्क्वायर क्या बेटा, क्या कर सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल से स्टेरेडियन में होता ना? हाँ स्टेरेडियन में होता है, तो यहाँ लिख लो स्टेरेडियन, हाँ सभी लोग पहले ये लिख लो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन मत लिखना, डी ए अपॉन आर स्क्वायर इज नोन एज सॉलिड एंगल, ये 11th के पहले चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है सॉलिड एंगल, और इसकी वैल्यू किसी भी टोटल वॉल्यूम सरफेस के मतलब कोई वॉल्यूम वाला सरफेस है उसकी वजह से 4 पाई होती है, ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है। तो हम जो फ्लक्स निकाल रहे थे उस फ्लक्स में हमने q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डी ए आर स्क्वायर की जगह अगर 4 पाई रख दें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई आ गया हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसमें दो चार एक दो बातें हम बोल रहे हैं वो लिख लो जरा सभी लोग स्टार बना करके लिख लो। अच्छा चार्ज अगर सरफेस के बाहर हो जाए तो इस सरफेस में क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फ्लक्स भी हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो लिखो जरा स्टार बना करके, इफ इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस इनक्लोज्ड सरफेस, if charge is outside the enclosed surface then net flux will be 0, then net flux will be 0, ठीक है। अब यही चीज एक कॉन्सेप्ट और जनरेट करती है जो कि बहुत कॉमन सेंस है, अभी अपन ने न्यूमेरिकल में वही यूज किया था, जैसे ये अपन का कोई सरफेस है मान लो चार्ज यहाँ रखा हुआ है क्यू, ठीक है, तो ये अगर ए सॉरी ये एरिया अगर आपने ले लिया डी ए तो यहाँ से मान लो इतना फ्लक्स हमारा इतनी लाइन्स एंटर हुई, ठीक है, तो यही लाइन्स किसी न किसी एरिया से बाहर भी चली जाएंगी, ऐसे जितनी भी लाइन्स एंटर करेंगी वो किसी न किसी सरफेस से बाहर चली जाएंगी। तो यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, यहाँ थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स जो आ जाता है वो माइनस आ जाता है और यहाँ पर जो फ्लक्स आ जाता है वो प्लस। तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी एक बहुत सारी बुक्स में रूल्स बना करके लिख देते हैं कि एंटरिंग फ्लक्स विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड इमर्जिंग फ्लक्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, लिख लो जरा लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे डायग्राम, ये पहले डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो पहले फिर हम बता रहे, जीरो जैसे आ गया था तुम डायग्राम बना लो फिर बता रहे हैं, जीरो तो कम में तो नहीं बोल दिया था, तो कम नहीं बस को समझ में आया था, ये एंगल समझ में नहीं आ रहा इस बार भैया। देखो यहाँ पर ये चार्ज प्लस बाहर रखा है कहीं पर, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, प्लस के लिए डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर तुमने ये सरफेस लिया हुआ है तो
तो ये एरिया जब लिया तुमने तो इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 का, 180 का एंगल बन रहा है। तो फाई जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो कॉस 180 रखेंगे तो फाई की वैल्यू कैसी आएगी, प्लस या माइनस, माइनस आएगी, ठीक है। यहाँ वाला जब हम एरिया देखेंगे, ये लाइंस जितनी भी इंटर करेंगी यहां से, वो सारी लाइंस यहां से बाहर जरूर निकलेंगी, ठीक है। तो ये लाइंस और अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो थीटा कितना बन रहा है, जीरो। तो फाई जब कैलकुलेट करोगे तो कॉस जीरो रखोगे तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो वो रूल के तरीके से हम लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई अर्पित, अभी सभी को समझ में आ गई बात? यस सर, हमें लगा वो सर स्फीयर, पता नहीं था वो स्फीयर है। नहीं नहीं नहीं, लिख लो जरा, पॉइंट बना करके लिख लो कि द एंटरिंग फ्लक्स विल बी टेकन एज नेगेटिव, द एंटरिंग फ्लक्स विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड इमर्जिंग फ्लक्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। अब बस आज इतना ही। अब इसमें तुम्हारा क्या बचा हुआ है चैप्टर में, पहली बात कल हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, फिर उसके बाद लाइन चार्ज के लिए इंटीग्रेशन जो तुम कर चुके हो उसका यहाँ पर हम करेंगे, फिर इसके बाद तुम्हारा प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसके बाद स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये चैप्टर तुम्हारा ओवर हो जाएगा, तब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपने वो भी तो नहीं बताया क्या बेटा, सर रबिंग करते हैं तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पर नेगेटिव चार्ज। वो क्वेश्चंस जब एक नंबर के क्वेश्चन हम करेंगे ना तो उसमें वो रबिंग, इंडक्शन और फ्रिक्शन और कॉम्ब में, मतलब अभी एक क्वेश्चन और भी है कि बालों में जब कंघी करते हैं तो उसमें क्या टॉर्क और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म, तो कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब हमारा पूरे चैप्टर की थ्योरी है, तुम्हारी डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे परसों तक, पूरा मतलब ये चैप्टर की पूरी जो थ्योरी है डेरिवेशन वाली वो सब खत्म हो जाएगी। फोर्स के न्यूमेरिकल अपन लगा चुके हैं बहुत सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे हम लोग लगा चुके हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल अब जो तुम्हारे बच रहे हैं वो बचेंगे किसके, डाइपोल के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बचे हैं, और उसके बाद फ्लक्स के न्यूमेरिकल बचे हैं, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो धीरे धीरे अपन कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसी वीक में हो जाएगा मेरे, अरे ये वीक तो खत्म होने वाला, दो चार दिन में हो जाएगा। क्या बेटा अभी आप फ्री हो सर, डाउट था कुछ कॉल करके पूछ।